ये खूबसूरत शहर लखनऊ, और ये है ऑडी और ये है राहुल। हेलो, इधर है। हेलो, नाम बताओ। हेलो, मैं एंड आई एम हियर। और आज हम लोग बहुत सारे अपने अपने अचीवमेंट के साथ यहाँ पर, मुझे घर लेने के लिए अचीवमेंट मिला है लखनऊ के अंदर, ये खूबसूरत शहर में दिखा रहा था बाय द वे। एंड इधर श्रीवास्तव जी के पास ब्रॉन्ज का अवार्ड है तुम्हारे पास? नहीं था। अच्छा, उत्कर्ष के पास ब्रॉन्ज का अवार्ड है, उसका अपने ब्रॉन्ज लिया अपना, दैट्स रियली वेरी ग्रेट। आज सर्व सम्मान था। और इन्हीं शहरों में माय डियर फ्रेंड ऑटो से चला हूँ, पैदल चला हूँ, इवन रैदर इसी ब्रिज के ऊपर हम लोग रात में पैदल आते थे, राइट। बट सम हाउ वेस्टीज बिजनेस में आ गए, नेटवर्क मार्केटिंग समझ आ गई, और आज इन्हीं रास्तों पर ये चार छल्लों वाली गाड़ी जो है इससे चल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो आज ऑडी है, आज मेरी अपनी बलेनो से इन रास्तों पर जब मैं चलता हूँ तो बहुत अच्छा फील आता है। तो आज नेटवर्क के अंदर, बिजनेस के अंदर इतने सारे अचीवर्स आ रहे, इतने सारे लोग अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। आप देखिए ना, राहुल की एज क्या है, सेकेंड जनरेशन DUCD है राहुल, सेकेंड जनरेशन DUCD है, डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है। आज ऑन एन एवरेज घर में 12-13 लाख रुपये महीने से वेस्टीज में आ रहे हैं, ऑन एन एवरेज 12-13 लाख रुपये आ रहे हैं। और पापा ने बिजनेस शुरू किया था और आज लड़का ऑडी चला रहा है, आप समझ रहे हैं। पापा ने बिजनेस शुरू किया, लड़का ऑडी चला रहा है। तो दिस इज द बिजनेस यार, जहाँ पर हम हमारी जनरेशन को सिक्योर करते हैं। तो कैसा फील करते हो राहुल आजकल, ये जिंदगी जीते हो जब? तो ये मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि मैं JK गुप्ता का लड़का हूँ। और लिटरली मैं एक मैसेज सबको देना चाहता हूँ कि ये जो हमारा भारत देश है, ये 100 करोड़ों का देश नहीं है, 100 करोड़ लोग नहीं रहते यहाँ, 100 करोड़ माइंड्स रहते हैं। जितना हो सके अपने माइंड्स को अच्छी जगह यूज करिए, और जितना हो सके इस इंडस्ट्री को एक मौका दीजिए, अपने आप को मौका दीजिए कि यहाँ पे आप बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। तो बस इसी शब्दों के साथ आशीष सर की मतलब वो तो लकी हो तुम, वो बात सही है, पर तुम्हें लगता है जैसे कि आज अगर डैडी तुम्हारे नहीं होते वेस्टीज में तो तुम ऑडी चला रहे होते? बिल्कुल, कभी सोचा ही नहीं था। इवन रेदर खुद JK सर भी नहीं सोचे थे, उनसे तो मेरी कितनी दफा बात हुई है। मेरे घर में इससे पहले भी गाड़ियां थी, लेकिन आपको मैं बता दूं, सेकंड हैंड थी। गाड़ियां इससे भी पहले थी लेकिन सेकंड हैंड। इस बिजनेस ने ये ताकत दी, ये कम से कम ये सोचने की ताकत दी कि आप फर्स्ट हैंड गाड़ी खरीद सकते हैं, ब्रांड न्यू गाड़ी खरीद सकते हैं। मेरे पिताजी इससे पहले भी पासपोर्ट बनवा चुके थे, बट वो एक्सपायर हो गया था, और आज की कंडीशन ये है कि 2-2, 3-3 पासपोर्ट भर गए हैं। इससे ज्यादा मैं नहीं कुछ बहुत ज्यादा बता सकता। इवन एक बार ऐसा हुआ था कि हम राहुल फॉरेन ट्रिप पर थे, तो तब राहुल सिल्वर डायरेक्टर था, तो मैंने कहा यार तुम कैसे जा रहे हो, बोले डैडी ने मुझे भेज दिया। हमने कहा मतलब JK सर इतना, मतलब अब जा करके विदेश यात्रा बोर हो गए थे, है ना, मतलब उनको उस टाइम पे लगा कि ठीक है बेटे को जाने देते हैं। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द बिजनेस गाइस, तो स्टार्ट करिए एंड लाइफ का मजा लीजिए। थोड़ा सा यही मैं आपको बस शेयर करना चाह रहा था। थैंक यू एंड विश यू वेल्थ।